कोडरमा स्टेशन पर गुरुवार की शाम 5:40 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति अचानक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा के स्पेशल ट्रेन के सामने अचानक कूद गया। रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा के निरीक्षक प्रभारी जवाहरलाल ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के रेल महाप्रबंधक अपने स्पेशल ट्रेन से कोडरमा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 4 से होकर गुजर रहे थे। इस दौरान प्लेटफार्म संख्या 3 से उतरकर एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए महाप्रबंधक के स्पेशल ट्रेन के सामने आ गया। हालांकि इस दौरान प्लेटफार्म पर तैनात आरपीएफ कोडरमा पोस्ट के आरक्षी पप्पू यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उक्त व्यक्ति को ट्रैक से हटाकर बगल में जमीन पर दबाकर रखा एवं महाप्रबंधक के स्पेशल ट्रेन को सुरक्षित रूप से कोडरमा स्टेशन से पास कराया, जिसके बाद उस व्यक्ति को सुरक्षित रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा पोस्ट लाया गया, जहां नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बजरंगी मांझी, उम्र 32 वर्ष, पिता रामजीत मांझी, गया जिले के फतेहपुर निवासी बताया। उसने बताया कि घर में विवाद होने पर वह घर से भागकर कोडरमा स्टेशन आ गया था और तनाव में आत्महत्या करने की नीयत से ट्रेन के सामने कूद गया था। फिलहाल आरपीएफ ने उक्त व्यक्ति को अपने कब्जे में रखा है और मामले की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। उसके परिजन के कोडरमा स्टेशन पहुंचने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ के आरक्षी पप्पू यादव के द्वारा महाप्रबंधक के स्पेशल ट्रेन को सुरक्षित पास करवाने एवं व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचाने के लिए कोडरमा स्टेशन के सभी रेल कर्मियों ने उनकी प्रशंसा की है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.